महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन निगम ने दिवाली सीजन के दौरान यात्री किराए में बढ़ोतरी की घोषणा की है। दिवाली के मौके पर होने वाली भीड़ का फायदा उठाने के लिए एसटी निगम ने अपनी सभी तरह की बसों का किराया 10% तक बढ़ाने का फैसला किया है। ऐसे में दिवाली के मौके पर गांव जाने वाले एसटी यात्रियों के साथ ही पर्यटन के लिए जाने वालों पर इस मूल्य वृद्धि की गाज गिरेगी। हर साल एसटी निगम राजस्व बढ़ाने के लिए छुट्टियों पर परिवर्तनीय मौसमी किराया वृद्धि फार्मूले के अनुसार किराया बढ़ाता है। एसटी निगम ने दिवाली की पूर्व संध्या पर किराया वृद्धि की घोषणा की है। एसटी निगम ने अपने टिकट की कीमतों में 30% तक किराया बढ़ा दिया है। यह किराया बढ़ोतरी 7 नवंबर की आधी रात से यानी 8 से 27 नवंबर के बीच लागू होगा। यह अवधि बीतने के बाद टिकट की मूल कीमत के अनुसार टिकट चार्ज होना शुरू हो जाएगा। जिन यात्रियों ने अग्रिम टिकट आरक्षण कराया है उन्हें वास्तविक यात्रा के समय अपने टिकट की शेष राशि का भुगतान वाहक को करना होगा। खुश खबर। भंडारा के लक्ष्य हॉस्पिटल में अब होगा मुफ्त इलाज। महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के अंतर्गत कार्ड केसरी हो या पीला, गरीब हो या अमीर, अब होगा मुफ्त इलाज। जैसे एंजियोप्लास्टी, हार्ट अटैक और सभी दिल संबंधित बीमारी, साथ ही किडनी स्टोन व अन्य बीमारियों का इलाज किया जाएगा। नागपुर की तरह ही अब हर इलाज होगा लक्ष्य हॉस्पिटल में। तो देर ना करें, अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7378-9009-7875-07-18-7035 पर। क्या आप भी अपना मुफ्त इलाज कराना चाहते हो तो सरकार की योजनाओं का फायदा ले और लक्ष्य हॉस्पिटल तकियावाड़ भंडारा में अपना मुफ्त इलाज कराएं।